हमारे इतना बड़ा पुष्पराजगढ़ जहाँ 119 पंचायत का ये अनुविभाग, और हमारे पक्षकार जब भी आते थे तहसील में, तहसील के कई हमारे नायब तहसीलदार, तहसीलदार साहब लोगों का कार्यालय, और वहीं अनुविभागीय दंडाधिकारी महोदय भी विराजमान, तो थोड़ा सा जगह कम था। और हमारे मध्य प्रदेश की सरकार जी और आदरणीय सांसद जी, हम आप सब लोग, सभी जनप्रतिनिधियों ने, हम आप सब का मनसा था कि एक कार्यालय हमारा पृथक से बने। आज लगा 90 लाख रुपए से ये निर्माण कार्य होगा, हमारा अनुविभागीय दंडा अधिकारी कार्यालय का निर्माण होगा। और दूसरा हमारा जो निर्माण कार्य है, आपका आदिवासी सीनियर कन्या छात्रावास पुष्पराजगढ़ का, उसका भी 403 लाख का भी ये भी प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुआ है, और निश्चित ही एक अच्छा भवन बच्चों के लिए, बालिकाओं के लिए बनेगा। और ये बन जाने से, भवन के बनने से बच्चियों को एक सुविधा मिलेगी। दूसरा जिसका भूमि पूजन हम आप सब लोगों ने किया है, और शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लखौरा का 10 कक्षों का है, वहाँ आज 250 बच्चे हैं। निश्चित ही वहाँ बहुत सकरा जगह है, बहुत कम कमरे थे, जिसके लिए सुव्यवस्थित जो क्लासों का संचालन भी नहीं हो पा रहा था। तो ये हमारे लिए, पुष्पराजगढ़ के लिए, और जब भी कोई भी निर्माण कार्य का भूमि पूजन होता है, कार्य होते हैं, क्योंकि हम आप सब लोग माँ नर्मदा की इस तराई पर जन्म लिए हैं, हमारे आदरणीय सांसद जी हैं, हम लोग हैं, सभी प्रतिनिधि हैं, हमारा आपका सबका भी एक मनसा है कि हम लोग इस राजनीतिक जीवन में आए हैं, हमारा सबका एक लक्ष्य है कि एक अच्छा विकास हो, क्षेत्र का विकास हो, और गांव, प्रत्येक गांव में कनेक्टिविटी मिले, हमारा बिजली की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, हमारे अन्य जो सुविधाएं हैं वो गांव-गांव तक पहुंचे, ऐसा हमारा आपका सबका एक लक्ष्य रहता है। और निश्चित ही उसके साथ बने, समय से बने, और अच्छा मजबूत बने, ऐसा हम चाहते हैं। और ज़्यादा न कहते हुए, सांसद जी को अभी दूसरे गाँव भी जाना है, वो तो जा ही रही थी, लेकिन हम निवेदन किए कि भाई माला वाला तो पहन ही लीजिए, फिर वो रुक गई हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और अपने वाणी को विराम भी देता हूँ। धन्यवाद।